की आस्था पर यूक्रेन की चोट, यूक्रेन का सनातन संस्कृति का अपमान करना, मां काली को लेकर यूक्रेन की घिनौनी हरकत, यूक्रेन पर फूटा हिंदुओं का गुस्सा, मोदी ने यूक्रेन का किया ऐसा इलाज, यूक्रेन को फौरन मांगनी पड़ी माफी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत से सात समंदर पार यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जिसको युद्ध की चिंगारी ने आधे से ज्यादा बर्बाद कर दिया है। एक साल से ऊपर का समय हो चुका है, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब तक बिल्कुल नहीं थमी है। इस जंग में जहां रूस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है, दूसरी तरफ यूक्रेन के पास अब गंवाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इस जंग की वजह से दुनिया दो भागों में बट चुकी है। अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों की पूरी फौज यूक्रेन के साथ खड़ी नजर आती है। दूसरी तरफ ताकतवर रूस को चीन समेत ईरान और उत्तर कोरिया का साथ मिल रहा है। इन सब के बीच देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो डे वन से इस खूनी संघर्ष का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकालने की वकालत करता आया है। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के खिलाफ भारत अब तक कभी खुलकर नहीं बोला, जिसका मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे से ही सही भारत अपने सदाबहार दोस्त यानी कि रूस के साथ है। और शायद यही बात यूक्रेन के गले से उतरती नहीं है। तभी तो देखिए, कई दफा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पीएम मोदी से मानवीय सहायता का अनुरोध कर चुके हैं। भारत को अपने पाले में लाने के लिए यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा भारत को विश्व गुरु बता चुकी है। कुछ समय पहले देखे भारत दौरे पर आई एमिन झापरोवा ने यह कहा था कि भारत वो भूमि है जिसने कई ऋषियों संतों और गुरुओं को जन्म दिया, और भारत को उन्होंने विश्व गुरु भी बताया था। और आज देखिए, यही यूक्रेन हिंदुओं की आस्था का उपहास उड़ा रहा है, जानते हुए कि मां काली हिंदुओं के कितनी ज्यादा पूजनीय है, फिर भी अपने ट्विटर अकाउंट से मां काली की आपत्तिजनक फोटो ट्वीट करने से बाज नहीं आ रहा। देखिए, पूरा मामला 30 अप्रैल से शुरू होता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का ट्विटर हैंडल @defenseu इस पर वर्क ऑफ आर्ट के नाम पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की गई जिसमें हिंदुओं की आराध्य देवी यानी कि मां काली को अपमानजनक स्थिति में दिखाया गया। तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर का देखिए एक हिस्सा ब्लास्ट से उठे धुएं का गुबार है, और इसी तस्वीर के दूसरे हिस्से में मां काली को एक्ट्रेस मार्लिन मुनरो के तौर पर दिखाया गया है। जी हाँ, मां काली के बालों से लेकर मार्लिन मुनरो की तरह जिस तरह से पेश किया गया है, वो हर किसी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदुओं के लिए बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। जैसे देखिए ये विवादित तस्वीर सामने आई, लोगों ने इसको लेकर यूक्रेन सरकार की जमकर निंदा करनी शुरू कर दी। ट्विटर पर देखिए कमेंट्स की बाढ़ आ गई इस तरह की तस्वीर, और वो भी यूक्रेन सरकार के ट्विटर हैंडल से। इस पर भारतीय हिंदुओं ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। ट्विटर यूजर इसे अपमानजनक और हिंदू फोबिया करार दिया उन्होंने। और इतना नहीं, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस पूरे मामले पर यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात की। जी हाँ, एक ट्विटर यूजर ने तो जयशंकर को टैग करते हुए बकायदा ये ट्वीट किया, मैं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस तरह से मां काली का मजाक उड़ाए जाने पर काफी दुखी हूँ, जो हिंदुओं में काफी पूजनीय है। ये संवेदनहीनता और अज्ञानता का घोर प्रदर्शन है। मैं उनसे आपत्तिजनक सामग्री हटाने और माफी मांगने की मांग करता हूँ। सभी धर्मों और मान्यताओं का सम्मान सर्वोपरि है, और इस तरह के कार्टून बनाने और हमारी आस्था का अपमान करने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। बेहद घिनौनी कोशिश। अब देखा जाए तो मां काली के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट यूक्रेन को इतना भारी पड़ा कि भारतीय हिंदुओं के गुस्से का शिकार उसे होना पड़ा। हालांकि देखिए, मामले को बढ़ता देख पहले यूक्रेन सरकार की तरफ से इस ट्वीट को डिलीट किया गया फौरन, जिसके बाद अब माफी भी यूक्रेन मांग चुका है। अब देखिए, इस हरकत पर यूक्रेन को मोदी सरकार ने क्या सबक सिखाया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि यूक्रेन रक्षा मंत्रालय की तरफ से माफीनामा सामने आ चुका है। अपने इस आपत्तिजनक ट्वीट पर पछतावा जताते हुए यूक्रेन ने ये ट्वीट किया है, हमें पछतावा है कि रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी मां काली को इस असम्मानित तरीके से प्रदर्शित किया। यूक्रेन और इसकी जनता भारत की खास संस्कृति का सम्मान करती है और इसके समर्थन की सराहना करती है। इस तस्वीर को पहले ही हटा दिया गया है। यूक्रेन आपसी सम्मान और दोस्ती की भावना से सहयोग को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसे देखिए, एक बात तो साफ हो जाती है कि मौजूदा समय में भारत की स्थिति में जो बदलाव आया है, उसके दम पर भारत को अपनी खोई हुई पहचान वापस अब मिल चुकी है। भारत की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि आज विश्व पटल पर दुनिया पीएम मोदी को सुनना पसंद करती है। अमेरिका हो या फिर रूस, ब्रिटेन हो या फिर चीन, भारत बिना किसी दबाव में
अपनी बात भी रखता है और उस पर अमल भी करता है। और तभी तो देखें मां काली के आपत्तिजनक ट्वीट पर यूक्रेन ने भारत से माफी मांगने में बिल्कुल देने लगाई। बहरहाल बीते महीने भारत दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमेन जारप्रोवा ने सनातन संस्कृति को लेकर क्या कुछ कहा था आपको सुना देते हैं। Existence of my country within our history of 1,500 years, Ukraine never attacked any other country like your country. We never has this imperialistic and chauvinistic attitudes towards our neighbors. So I think it's for us it's crucial that we are the victim of the war, of unprovoked war, of the neo-colonial war. So we also feel that we have this arbitrary by promoting these values of justice, of peace, as your prime minister in Samarkand said, that it's not an era of war. I mean, we do support this purely and fully, but unfortunately we have aggressive countries who question the existence of other countries, and then the question of India's involvement as a leader in the global south, as a G20 presidency. I think that we hope that India would be involved and engaged into global issues and challenges, economic challenges, energy challenges, nuclear challenges to a greater extent, because the Ukrainian issue is a litmus paper today. Ma'am, how do you see India importing energy from Russia? How do you see India importing energy from Russia? I mean, look, we are not in the position of instructing India in their economic ties with other countries. We only think that it's crucial to diversify all of the resources, not only energy but also military resources, because what we see in my country, when you are dependent from Russia, they will always use this blackmail instrument. So I think that India should be pragmatic in diversing the energy resources, in diversing military contracts, in diversing political interaction, and we feel that there is a extraordinary time that we live in, and as my president Volodymyr Zelensky says, extraordinary times need extraordinary decisions. So of course Prime Minister Modi with his 3D policy of democracy, dialogue, and to my knowledge it's diversity, I think that this 3D and no era of the war and strategic application is really, really important. So we hope that India and Ukraine would be, even though we are distant geographically, but we will become closer physically and politically and in many other ways. Ma'am, last question.